दोस्तों, क्या आप भी अपने योनो SBI का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर आप भी अपने योनो SBI का यूजर आईडी और पासवर्ड को भूल गए हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी ब्रांच में आपको जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने योनो SBI के यूजर आईडी और पासवर्ड को फिर से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश वर्मा और आप देख रहे हैं YouTube यार्ड। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है SBI ऑनलाइन। जैसे आप SBI ऑनलाइन करके सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहले वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी और आपको इसके ऊपर टाइप कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए पर्सनल बैंकिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको सिंपली इसके ऊपर टाइप कर देना है। इसके ऊपर जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर टाइप कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि आपको पता नहीं है और आप भूल चुके हैं। तो इसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्वाइप करके नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया है फॉरगेट यूजर नेम, आपको सिंपली इसके ऊपर टाइप कर देना है। दोस्तों, जैसे इसके ऊपर आप टाइप करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए कोने में एक एरो का निशान बना है, तीर का निशान बना है, तो आपको इसके ऊपर टाइप करना है। आपको सबसे पहले अपने यूजर नेम को फॉरगेट करना है, मतलब वापस लाना है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप इसके ऊपर टाइप करेंगे यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर टाइप कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर दूसरा इंटरफेस होके आ जाएगा, तो आपको यहाँ पहले वाले नंबर पर CIF नंबर की जो ऑप्शन है इसके ऊपर टाइप करना है। यहाँ से आपको अपना CIF नंबर डाल देना है। दोस्तों, CIF नंबर आपके बैंक के जो पासबुक है उसमें आपको CIF नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको फिल कर ले रहा हूँ। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को सेलेक्ट कर ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके बैंक में लिंक है, जो भी आपके बैंक में नंबर लगा हुआ है आपको यहाँ पर उसको फिल कर देना है। मैं इसको फिल कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना इस कैप्चा को फिल कर देना है। यहाँ पर आप अपने कैप्चा को फिल कर दीजिए। मैं कैप्चा फिल कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट के ऊपर टाइप कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा आपके नंबर पर, तो OTP यहाँ पर इसको फिल कर देना है। मैं OTP को फिल कर दे रहा हूँ। और उसके बाद OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको कन्फर्म के ऊपर टाइप कर देना है। दोस्तों, कंफर्म के ऊपर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका जो भी यूजर नेम है वो आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो इसको लिख कर कहीं रख दीजिए। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट करके रख ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अगला काम क्या करना है कि आपको अपने पासवर्ड को भी चेंज करना है। आप पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए फिर से आपको होम पे चले आना है, फिर से यहाँ से SBI ऑनलाइन आपको सर्च करना है। उसके बाद फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है, फिर से यहाँ लॉगिन के ऊपर टाइप करना है, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर टाइप कर देना है। और यहाँ से दोस्तों आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको नीचे चले आना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको फिर से फॉरगेट यूजर नेम के ऊपर टाइप कर देना है। दोस्तों, जैसे उसके ऊपर टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इसी पे रहने देना है। अगर आप में ये शो नहीं करता है, अगर आप में दूसरा कोई शो करता है तो आप यहाँ एरो के निशान पे टच करके उसको यहाँ पर
फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड के ऊपर टैप करके यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे टैप करेंगे तो आपके सामने दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपका यूजर नेम पूछा जाएगा, जो कि थोड़ी देर पहले आपने जो यूजर नेम फॉरगेट किया था आपको यहाँ पे वो यूजर नेम डाल देना है। और नीचे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद कंट्री डाल देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको वही अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके आईडी में हो, आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। मैं फटाफट से इसको फिल कर ले रहा हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने ओटीपी आ जाएगा आपके नंबर पर। आपको दोस्तों यहां पर अपनी ओटीपी को फिल कर देना है, उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप कंफर्म के ऊपर टैप करेंगे तो अगला पेज जो है आपको यहां पर आ जाएगा कि आप किसके थ्रू अपने पासवर्ड को बदलना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है जो कि आप एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, दूसरा है जो कि आपके प्रोफाइल का पासवर्ड है, और तीसरा है रिसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच। तो दोस्तों हम ना ब्रांच जाना चाहते हैं और ना ही हमारे पास कोई प्रोफाइल का पासवर्ड है। हमारे पास है दोस्तों एटीएम कार्ड, तो मैं एटीएम कार्ड के डिटेल से इसको फॉरगेट करना चाहता हूं, तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहां नीचे सबमिट के ऊपर टैप कर दूंगा। दोस्तों जैसे आप सबमिट के ऊपर टैप करेंगे तो आपका कार्ड नंबर जो भी की एक्टिव है यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये चेक मार्क को लगा देना है, उसके बाद कंफर्म के ऊपर टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंफर्म के ऊपर टैप करेंगे तो आपसे यहाँ आपका नाम पूछा जाएगा, और जो कि आपके कार्ड की वैलिडिटी है उसको पूछा जाएगा, और उसका पिन पूछा जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। पासवर्ड मिल जाने के बाद आप यूजर आईडी और इस पासवर्ड को लेकर आप अपने योनो एसबीआई में इसको लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इस पासवर्ड को बाद में आप इसको चेंज भी कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।